अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फाइव, वेलकम बैक टू योर साइंस लेक्चर। वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 3 ऑफ योर बुक द प्लांट वर्ल्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, स्टार्ट में हमने पढ़ा था प्लांट की क्लासिफिकेशन के बारे में कि प्लांट्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। और स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था कि इसके जो 2 मेन कैटेगरीज हैं दैट आर सीड बेयरिंग प्लांट्स एंड स्पोर बेयरिंग प्लांट्स। और इसी के साथ हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी थी कि स्पोर बेयरिंग प्लांट्स में आते हैं एलजी, मोसेस और लिवर रोट्स एंड फर्न्स। और सीड बेयरिंग प्लांट्स में आते हैं फ्लावरिंग प्लांट जिनको एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है, कॉनिफर जिनको जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने फिर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को पढ़ा था और उसके बाद हमने उनकी डिटेल्स को भी स्टडी किया था। एंजियोस्पर्म हमने डिटेल में पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म, कॉनिफर्स एंड फर्न्स के बारे में हमने स्टडी किया था एंड प्लांट सेल को भी हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने सीड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था कि सीड का कैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद उसकी जर्मिनेशन और उसका स्कैटरिंग का प्रोसेस भी हमने पढ़ा था। ये आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, स्पोर्ट्स किस तरह के होते हैं और स्पोर्ट्स से जो प्लांट्स बनते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्पोर्ट्स, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्पोर्ट्स रादर देन सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो सीड्स के बजाय स्पोर्ट्स से ग्रो करते हैं। अब वो किस तरह ग्रो करते हैं? स्पोर्ट्स आर मच सिंपलर देन द सीड्स। स्पोर्ट्स जो होते हैं सीड्स से, एज़ कम्पेयर टू सीड्स से, उनकी जर्मिनेशन जो होती है बहुत ही ईजी होती है और बहुत सिंपल होती है। दे आर वेरी स्मॉल एंड वेरी लाइट एंड फाउंड अंडर साइड ऑफ लीव्स। मीन्स ये किस तरह के होते हैं? बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, मीन्स सीड से भी लाइट होते हैं। एंड फाउंड अंडर साइड मीन्स लीव्स के इनर साइड पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, उसमें आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें, ये आपको फर्न्स स्पोर्ट्स की एग्जांपल दे रहे हैं, उसकी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको नज़र आ रही है। देखें, लीव्स है और इसमें जो आपको ये ब्राउनिश एरिया सारा नज़र आ रहा है, ये सारे स्पोर्ट्स हैं। और आपको देखें नज़र आ रहे हैं ना कि ये किस तरह लीव्स की इनर साइड पर मौजूद हैं। तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह स्पोर्ट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं अंडर साइड्स ऑफ लीव्स पे और ये किस तरह जर्मिनेट करते हैं या किस तरह जो है, आगे हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह ये फ्लो करते हैं या कह सकते हैं आप ग्रो करते हैं ग्राउंड पे, किस तरह किस प्रोसेस से ये ग्राउंड पर जाते हैं और किस तरह जर्मिनेशन इनकी होती है या किस तरह न्यू प्लांट इनका बनता है। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस स्पोर्स डू नॉट वेट अंटिल एनिमल्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स टेक देम। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्लांट्स जो हैं यूजुअली थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सीड्स जो होते हैं इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होते। प्लांट्स जो हैं, आपने ये पढ़ा था ना कि एक ऐसा प्रोसेस है सीड्स से जर्मिनेशन होती है और प्लांट्स बनते हैं, फिर प्लांट्स से आगे दोबारा सीड्स बनते हैं, तो वो जो है प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन कोई भी प्लांट इतने ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर बता रहे हैं थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ स्पोर्ट्स जो है प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज व्हेन द स्पोर्स आर रिलीज्ड, ये आप देखें पेज नंबर 45 पे आपको नजर आएगा, ये लाइन लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज व्हेन द स्पोर्स आर रिलीज्ड दे नीड टू लैंड इन ग्राउंड दैट हैज द एग्जैक्टली द राइट कंडीशन टू जर्मिनेट। उसके बाद आप यहाँ पे आए, स्लाइड पे आपको बता रहे हैं, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस स्पोर्स डू नॉट वेट अंटिल एनिमल्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स टेक देम। इस पॉइंट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब स्पोर्स जो है रिलीज होते हैं उनको जो है एग्जैक्टली राइट कंडीशन चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए, मींस ऑन द स्पॉट उनको राइट कंडीशन चाहिए होती हैं। और इस पॉइंट में क्या लिखा है, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस स्पोर्ट्स डू नॉट वेट अंटिल, मींस वो जो है किसी एनिमल का या स्ट्रॉन्ग विंड्स का वेट नहीं कर सके कि स्ट्रॉन्ग विंड्स उनको फ्लो करके कहीं लेकर जाएं या वो एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक हो जाएं या और वो किसी और ग्राउंड पे या राइट कंडीशंस के एरिया पर जाकर फॉल कर जाएं और वहाँ पे जर्मिनेट करें। वो इतना ज़्यादा वेट स्पोर्ट्स नहीं करते, बल्कि वो जहाँ पे फॉल करते हैं वहीं पर उनको राइट कंडीशन चाहिए होती हैं ताकि वो एज अ प्लांट में जर्मिनेट कर सके और एक प्लांट बना सके। अगर वो ये उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट वो जर्मिनेशन ना करें तो फिर वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सके। तो इसीलिए थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पोर्स बनते हैं और उसमें बहुत ही कम जो होते हैं वो प्लांट्स में जो है जर्मिनेट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है द स्पोर्स देन फ्लोट थ्रू द एयर अंटिल दे लैंड समवेयर ऑन द ग्राउंड, मींस वो इतने लाइट हो जाते हैं। स्टार्ट में मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स जो है सीड से भी ज़्यादा लाइट होते हैं। अगर आप देखें कि हवा से जो है सीड्स उड़ रहे हैं कहीं जा रहे हैं और स्पोर्ट्स उनसे भी ज़्यादा लाइट है, तो मींस वो तो बिल्कुल जो हल्की हवा चल रही होती है, बहुत आम मौसम में भी जब हम कहते हैं कि हवा नहीं चल रही तो तभी मतलब इतनी हवा तो होती है हमारे एयर की जिससे हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है। तो ये उसकी बात हो रही है कि उसमें भी स्पोर्ट्स क्या करते हैं, उसमें भी स्पोर्ट्स जो है ब्लो करते हैं उसी विंड के साथ जो हमें मतलब फील नहीं होती इतनी ज़्यादा मूव करते हुए, जो विंड हमें इतनी ज़्यादा फील ही नहीं होती कि वो मूव कर रही है या हमारे इतनी हवा चल रही है, वो उसके साथ भी स्पोर्ट्स जो है फ्लोट करते हैं और तब तक फ्लोट करते हैं जब तक उनको राइट कंडीशंस का ग्राउंड ना मिल जाए। जैसे ही उनको राइट कंडीशंस का ग्राउंड मिलता है वहाँ पे फॉल करते हैं, फौरन ही जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और अगर उनके टाइम से ज़्यादा टाइम लग जाए, मींस अगर उनका जो प्रॉपर टाइम है जिसमें उन्होंने जर्मिनेशन करी उससे ज़्यादा टाइम उनको लग जाए और वो किसी भी ऐसा उनको राइट कंडीशंस ना मिले किसी भी ग्राउंड पर, तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे और ना ही वो कोई न्यू प्लांट बना सकेंगे। और इन स्पोर्ट्स की जर्मिनेशन किस तरह होती है कि उनको चाहिए होता है कि वो ऐसा ग्राउंड जो डैम्प हो और कंटेन द राइट न्यूट्रिएंट, मींस बहुत ही मॉइस्ट हो जिसमें नमी हो, ऐसा ग्राउंड उनको चाहिए होता है और जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो और ऐसा एरिया हो जिसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट भी आ रही हो। सो ये ऐसी अमाउंट्स मतलब ऐसी जो है ये क्या है, ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है एक स्पोर्ट जो है जर्मिनेट करके प्लांट बना सकता है। और ये इनमें से कोई एक भी कंडीशन जो है ना मिले, प्रॉपर कंडीशन ना मिल सके स्पोर्ट को, तो वो जर्मिनेट नहीं कर सकेगा। इसीलिए कहते हैं नॉट मैनी स्पोर्ट्स बिकम प्लांट्स, ज़्यादातर सीड्स जो है वो प्लांट्स की शक्ल लेते हैं, ज़्यादातर सीड जो है जर्मिनेट करके प्लांट बना लेते हैं, लेकिन सारे स्पोर्स जो होते हैं वो प्लांट में जर्मिनेट नहीं होते, मींस वो जर्मिनेशन के बाद प्लांट नहीं बनाते। इसी वजह से क्योंकि उनको ऑन द स्पॉट राइट कंडीशंस चाहिए होती हैं और ताकि वो जर्मिनेट कर सकें, और जब वो नहीं कर पाते जर्मिनेट तो इसी तरह फिर वो प्लांट्स नहीं बना सकते। और बहुत ही स्पोर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स अमाउंट में स्पोर्ट जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। That was all for today's lectures. इस स्पोर्ट्स के साथ ही आपका यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है और आपको मैं एक रिव्यू देती हूँ कि इस यूनिट में हमने क्या क्या स्टडी किया। यूनिट के स्टार्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ा जिसमें हमने 2 मेन कैटेगरीज पढ़ी थी, स्पोर्ट बेयरिंग प्लांट्स एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स की। फिर आगे हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, उसके बाद हमने एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड कॉनिफर्स पढ़े थे। ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों आते हैं सीड बेयरिंग प्लांट्स में, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स होते हैं या जो सीड्स के थ्रू जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद हमने फर्न्स को स्टडी किया, फर्न्स कौन से प्लांट्स होते हैं, फर्न्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू जर्मिनेट करते हैं। जैसे अभी हमने स्पोर्ट्स के बारे में जितना कुछ पढ़ा तो उसकी जो जर्मिनेशन होती है उसकी एग्जांपल आप उसमें क्या दे सकते हो, उसमें आप फर्न्स की एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद हमने किस चीज़ को स्टडी किया, उसके बाद हमने प्लांट सेल को स्टडी किया, प्लांट सेल की हमने पिक्चर देखी, उसमें हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स देखे कि कितने उसके पार्ट्स होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि ये किस तरह जो है एनिमल सेल से ज़्यादा जो होते हैं इस पर फंक्शंस होते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट्स होते हैं इसके, और इसके किस तरह के फंक्शंस होते हैं, ये अपनी प्रोटेक्शन किस तरह करता है, फूड किस तरह बनाता है, ये हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा कि सीड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसकी हमने डायग्राम देखी, उसमें उसके हमने डिफरेंट 4 पार्ट्स देखे और उन पार्ट्स के आगे हमने फंक्शंस पढ़े कि उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमने उसके एग्जांपल पढ़ी कि हमने पढ़ा किस किस तरह के सीड्स होते हैं, एक मोनोकॉट होता है जिसमें ओनली 1 कॉटिलेडन होता है और एक डाइकॉट होता है जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। उसके बाद हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ी कि सीड की जर्मिनेशन किस तरह होती है, उसका पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा और मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाई जिसमें वो प्रोसेस आपको नज़र भी आ रहा है। अगर आपको उस प्रोसेस में मतलब लिखा हुआ जो है समझ नहीं आता ज़्यादातर, तो आप उस डायग्राम को साथ साथ देख सकते हैं तो उससे ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आती है। उसके बाद हमने स्कैटरिंग ऑफ सीड्स पढ़ा कि सीड्स किस तरह स्कैटर्ड करते हैं, इधर उधर किस तरह फॉल करते हैं ग्राउंड पर, और उनकी जर्मिनेशन का प्रोसेस वहाँ से फिर स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक था स्पोर्ट्स का था, हमने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा कि स्पोर्ट्स कुछ जो है प्लांट्स किस तरह स्पोर्ट्स से जर्मिनेट करते हैं, और स्पोर्ट्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरह बहुत सिंपल होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, लीव्स के अंडर साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसको किस तरह की कंडीशंस चाहिए होती हैं जर्मिनेट करने के लिए, ये हमने पढ़ा कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स जो होते हैं, अब ज़्यादा अमाउंट में स्पोर्ट्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं और सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो प्लांट्स नहीं बन पाते, और उसका रीज़न भी हमने पढ़ा क्यों, क्योंकि उनको ऑन द स्पॉट जो है राइट कंडीशंस चाहिए होती हैं जर्मिनेशन के लिए, और अगर वो
उनको ऑन द स्पॉट ना मिले वो कंडीशंस, राइट कंडीशंस उनको नहीं मिलती तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, वो न्यू प्लांट नहीं बना सकते, इसीलिए बहुत सारे स्पॉट जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और वो सारे के सारे प्लांट्स में कन्वर्ट नहीं होते। सो ये सारा था द प्लांट वर्ल्ड के बारे में सारा कुछ। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी लगेगा और बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स। अल्लाह हाफिज़।